गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी शालिनी। आज का वीडियो होने वाला है अबाउट अ सीरम एंड फ्रॉम माय फेवरेट ब्रांड दैट इज पिलग्रिम। सो पिलग्रिम ने अभी न्यू लॉन्च किया है गोल्ड वाली रेंज, सो उसमें से मैंने पिक किया है 24 कैरेट का गोल्ड सीरम। तो उसमें ऑयल भी है और काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं, बट आई गॉट माई हैंड्स ऑन 24 कैरेट गोल्ड सीरम एंड देन आई रिसीव फर्स्ट ऑफ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको लेने के बाद कि कैसा आएगा एंड ऑल ऑफ दैट जैज, एंड एज एंड व्हेन आई रिसीव्ड आई जस्ट लव्ड इट। और मुझे इसको यूज़ करते हुए 2 वीक्स हो गए हैं एंड आई एम लाइक क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दिस सीरम। सो मुझे ऑयल भी ट्राई करना था बट नॉट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज अभी समर्स है और समर्स में मेरा स्किन थोड़ा कॉम्बिनेशन टू ऑयली हो जाता है, सो आई डोंट वॉन्ट कि मैं कुछ ऑयल वगैरह लगाऊँ। सो या मुझे सीरम लेना था एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ कि आई हाईली रिकमेंड आपको ये वाला सीरम। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिए एंड या लाइक गोल्ड पर्टिकुलरली में बहुत अच्छा इन्ग्रीडियंट है फॉर योर स्किन। सो गोल्ड इज़ सच काइंड ऑफ इन्ग्रीडियंट जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे में बेनिफिट करेगा एंड या यू विल सी अ विजिबल डिफरेंस, बट यू हैव टू यूज़ अ प्रोडक्ट लाइक मोर देन 2 वीक्स या फिर 2 वीक्स तक मिनिमम टाइम पीरियड तो आप उसको यूज़ करिए, तभी आपको वो प्रॉपर अच्छा यूसेज सिखाएगा। एंड गोल्ड के साथ साथ इसमें है नाइसिनमाइड एंड हाइलोरोनिक एसिड, सो या मतलब सारी की सारी क्वालिटीज आपको इस टाइनी बिट ड्रॉपर फॉर्म की बॉटल में मिल गई। सो या इसकी एक आउटर पैकेजिंग भी आती है, ऑफकोर्स आई डिस्कार्डेड दैट। एंड ये क्यूट लिटिल सी बॉटल मिलती है कांच की, ट्रांसपेरेंट। फर्स्ट ऑफ आई रियली वॉन्टेड टू अप्रिशिएट इट्स पैकेजिंग क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई, लाइक वाइट एंड गोल्ड कलर की, लाइक वाइट कलर का नीचे कांच का बॉटल है, उसके बाद ये ड्रॉपर फॉर्म है तो ये गोल्डन एंड ब्लैक है। एंड या इसका ml मिलता है 20 ml में, 200 ml बोलने वाली थी, एकदम से मुझे लगा 200 ml में इतना छोटा नहीं आएगा। ओके 20 ml मिलता है एंड क्वाइट सफिशियंट अमाउंट मिलता है टू वर्क ऑन योर स्किन। एंड अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करेंगे इन डे एंड इन नाइट तो आप विजिबल डिफरेंस देखेंगे। तो आप डे नाइट में यूज़ करिए, मिनिमम 2 वीक्स तक यूज़ करिए एंड यू विल सी डेफिनेटली अ विजिबल डिफरेंस इन योर स्किन। सो नाउ लेट्स जंप ऑन टू द इंग्रेडिएंट्स जो बेसिक मेन इसमें है, गोल्ड, नाइसिनमाइड एंड हाइलोरोनिक एसिड। और ये सारे के सारे लाइक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके स्किन केयर रूटीन में। अगर आपको सीरम की फॉर्म में यूज़ नहीं करना है तो आप सिर्फ पर्टिकुलर एक किसी इंग्रेडिएंट का सीरम ले सकते हैं, लाइक अगर आपको तीन में नहीं चाहिए तो, बट तीनों के बेहतरीन ही बेनिफिट्स हैं। सो या फर्स्ट ऑफ मैं आपको बताऊँगी कि गोल्ड का हमारा पर्टिकुलरली क्या बेनिफिट होता है हमारी स्किन केयर रूटीन में। ओके सो गोल्ड के बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे स्किन केयर में, क्योंकि ये फाइन लाइन्स को रिड्यूस करता है, रिंकल्स को हटाता है, स्पॉट्स को हटाता है और प्री मैच्योर एजिंग को हटाता है। और गोल्ड जो है वो स्किन के कॉम्प्लेक्शन को भी लाइट करता है एंड सन डैमेज से भी ट्रीट करता है, एलर्जीज भी ट्रीट हो सकती हैं इससे, ऑल्सो इन्फ्लेमेशन से भी ये ट्रीट करता है गोल्ड। सो गोल्ड के आर लाइक में बहुत 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 सारे बेनिफिट्स हैं, सो यू शुड डेफिनेटली इंक्लूड। और मैंने जब से यूज़ करना स्टार्ट किया मैंने काफ़ी सारा विजिबल डिफरेंस देखा है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इट्स लाइक 42-44 डिग्री सेल्सियस इन माई सिटी टेम्परेचर, और मुझे यहाँ पे काफ़ी रेडनेस वगैरह हो जाती है। सो मैं ये सीरम जब से यूज़ करना शुरू किया है तो मुझे रेडनेस काफ़ी कम देखने को मिल रही है एंड मेरी स्किन का टेक्सचर भी मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, लाइक क्योंकि गर्मी में आपको ना टू बी फ्रैंक खास ख्याल करना पड़ता है आपकी स्किन का। और अगर आपकी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन या फिर इस टाइप की है, लाइक जहाँ पे ज़्यादा ऑयल सीक्रेट होता है, तो आपको प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ता है, टू टू थ्री बार वॉश करना पड़ता है आपके फेस को। सो आप जितनी बार भी वॉश करेंगे तो आपको अगेन सीरम एंड मॉइस्चराइजर भी लगाना पड़ता है, तभी वो बेनिफिट करता है।
मतलब आपकी स्किन रिपेयर हो पाती है। सो या मैं वही सब कर रही हूँ और सिरम मैं 2 बार ही लगा रही हूँ एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा रेडनेस, मतलब यहाँ पे गर्मी जैसी आती है यहाँ पे इस साइड में रहती है, पोर्स वगैरह की भी प्रॉब्लम रहती है, तो वो काफ़ी मुझे विजिबल डिफरेंस दिख रहा है। सो ये तो थे गोल्ड के बेनिफिट्स। सो आप डेफिनेटली जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में गोल्ड है वो ज़रूर अपनी स्किन केयर में इंक्लूड कीजिए, और यही इंक्लूड कर लेंगे तो इससे बेस्ट ऑप्शन तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अफोर्डेबल भी है एंड काफ़ी अच्छा इसका लाइक एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ। सो ऑफकोर्स आपके साथ भी रहेगा। सो कमिंग बैक ऑन टू अदर टू इंग्रेडिएंट्स, नाइसिनमाइड एंड हाइलुरोनिक, इस इंग्रेडिएंट से हम लाइक बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, क्योंकि मार्केट में भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और मैंने भी अपने कई वीडियो में इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के बारे में बात करी है। बट एनीवेज मैं आपको अगेन नाइसिनमाइड और हाइलुरोनिक एसिड के बारे में फिर से बताना चाहूँगी। सो कमिंग बैक ऑन टू द इंग्रेडिएंट नाइसिनमाइड, सो नाइसिनमाइड भी इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, विच हेल्प्स रिड्यूस द रेडनेस ऑन योर स्किन। सो एज एंड व्हेन आई टोल्ड, और अभी मैंने आपको जस्ट ये बताया कि मैंने अपना रेडनेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए देखा है, कि गर्मी में बहुत ज़्यादा रेडनेस हो ही जाता है फेस पे। ऑल्सो नाइसिनमाइड पोर को मिनिमाइज भी करता है, विच लाइक इम्प्रूव्स योर स्किन टेक्स्चर, तो उससे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूद एंड फ्लॉलेस रखती है। एंड ओवर द टाइम जैसे जैसे आप इस इंग्रीडियंट के प्रोडक्ट को यूज़ करते जाएंगे या फिर एकदम बिल्कुल इसको अडॉप्ट कर लेंगे अपने स्किन केयर रूटीन में, तो आपका जो पोर्स का जो साइज़ है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लाइक मैं इस चीज़ पे काफ़ी टाइम से वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ वाला पोर्स का मतलब पोर एरिया ये जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे बिग लगने लगता है कभी कभी। सो मैं काफ़ी टाइम से इस टाइप के प्रोडक्ट्स लाइक जिसमें नाइसिनमाइड, हाइलुरोनिक एसिड, गोल्ड और डिफरेंट ये जो इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं आजकल, इस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करना लाइक स्किन केयर में इंक्लूड करना पसंद करती हूँ, सो दैट मेरी स्किन का टेक्स्चर एकदम इम्प्रूव हो, मेरी स्किन फ्लॉलेस लगे एंड स्मूथ लगे। हमें ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा कलर का तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट गोल्ड मतलब स्किन लाइटन भी करता है, तो मुझे उस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई वॉन्ट रियली अ हेल्दी एंड अ स्मूथ एंड अ फ्लॉलेस स्किन, और ये स्किन किसको नहीं पसंद। तो अगर आपकी स्मूथ एंड फ्लॉलेस स्किन होगी तो आप मेकअप वगैरह कुछ भी लगाएंगे तो वो भी एकदम फ्लॉलेस लगेगा, एकदम लाइक जैसे कहते हैं ना बिल्कुल चिकना सॉर्ट ऑफ आपका मेकअप लगेगा, कुछ भी केकीनेस, कुछ भी इतना कुछ भी केकी एंड ऑल लाइक पैचेस वगैरह नहीं लगेंगे आपके फेस पे। सो आपको अपना स्किन केयर बेस्ट करना है, आपको अपनी स्किन का बहुत प्रॉपरली ध्यान रखना है एंड आप विदाउट मेकअप भी अच्छे लगेंगे, और आप थोड़ा भी मेकअप लगाएंगे तो आप एकदम बेहतरीन लगेंगे। सो या सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइलुरोनिक एसिड की वो क्या करता है। हाइलुरोनिक एसिड तो इट्स लाइक मुझे ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड के इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं अब मार्केट में, और पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट खाली आप सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड भी ले सकते हो, बट मुझे चीज़ों का मिश्रण लेना पसंद है। अगर 3 to 4 इंग्रेडिएंट्स एक ही आपको स्किन केयर प्रोडक्ट में मिल जाते हैं तो उससे बेस्ट बात क्या हो सकती है, तो आपको तीन चार इंग्रेडिएंट्स का बेनिफिट मिल जाता है ऑन योर स्किन, नॉट दैट ओनली वन इंग्रेडिएंट्स। या ओके, सो जो हाइलुरोनिक एसिड है वो ऑलरेडी हमारी लाइक बॉडी में होता ही है, बट एज एंड व्हेन वी ग्रो ओल्डर या फिर हम हमारे लेट 30s में, स्टार्टिंग ऑफ 30s में, लाइक अर्ली 30s में होते हैं, तो धीरे धीरे उसका जो सीक्रीशन है, उसका जो अमाउंट ऑफ एसिड लाइक हाइलुरोनिक एसिड इन आर बॉडी है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। सो ऑफकोर्स वी हैव टू टेक द प्रोडक्ट जो हमें लगाना पड़ेगा, सो दैट हमारी स्किन में लाइक हमारे बॉडी में, हमारी स्किन में उस चीज़ की कमी ना हो और वो उतना ही बेनिफिशियल रहे। सो हमें उस कॉन्टेक्स्ट में हाइलुरोनिक एसिड यूज करना पड़ेगा। एंड हाइलुरोनिक एसिड अट्रैक्ट्स एंड होल्ड्स ऑन टू मॉइस्चर इन स्किन सेल्स, विच अलाउज स्किन टू फील मोर हाइड्रेटेड एंड प्लम्प। सो अगर आप हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो आप इंस्टेंटली देखेंगे, नॉट इंस्टेंटली बट स्लोली एंड ग्रेजुअली अकॉर्डिंग टू द टाइम, लाइक ओवर द टाइम यूज़ करते करते, कि आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड, सपल एंड काफ़ी ज़्यादा
लाइक हेल्दी लग रही है, इनर ग्लो आ रहा है आपकी स्किन में. नॉट दैट यू हैव टू मलमल ऑन द स्किन की आप स्क्रब लगा रहे हैं, फेस पैक लगा रहे हैं, उसके भी अपने बेनिफिट्स हैं. बट अगर आप कोशिश करेंगे कि आपकी स्किन अंदर से ग्लो ही रहे, तो आप कोशिश करिए कि इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स के प्रोडक्ट यूज़ करें इन योर डेली लाइफ, लाइक इन इवनिंग, लाइक सॉरी इन मॉर्निंग एंड इन नाइट. इन दो टाइम पीरियड में इन प्रोडक्ट्स को ज़रूर ज़रूर से इंक्लूड करें एंड यू विल सी अ विजिबल डिफरेंस इन योर स्किन. एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ हाइलुरोनिक एसिड एंड नाइसिनमाइड सीरम साथ साथ में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्बो बन जाता है इस चीज़ का. सो आप फर्स्ट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड लगाइए फॉलोड बाय नाइसिनमाइड सीरम एंड यू विल सी डेफिनेटली अ डिफरेंस इन योर स्किन. पहले मैं डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करती थी, बट एज एंड वैन अगर मुझे एक ही प्रोडक्ट में अपने काफ़ी सारे मेजर इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं जो मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे, तो मैं वही एक कॉम्बो लेना पसंद करूँगी इंस्टेड ऑफ दैट 2-3-4 प्रोडक्ट्स. सो या एंड ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है ये. जब हाइलुरोनिक एसिड और नाइसिनमाइड हम एक साथ यूज़ करते हैं, तो नाइसिनमाइड अप्लाई करने के बाद नाइसिनमाइड हेल्प करता है रेगुलेट द सीबम प्रोडक्शन एंड हेल्प विद द मिनिमाइजेशन ऑफ पोर. नाइसिनमाइड आपको लगाना है हाइलुरोनिक एसिड के बाद, तो हाइलुरोनिक एसिड क्या करेगा, जो भी आपका फेस पे ड्राइनेस एंड जो भी कुछ भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रूखी लग रही है उसको प्रॉपर सपल करेगा, पूरा हेल्दी बनाएगा. एंड ऑन दी अदर हैंड नाइसिनमाइड को लगाने के बाद आपकी स्किन का रेडनेस, पोर्स वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा आप उसमें डिफरेंस देखेंगे. एंड अगर साथ में गोल्ड है तो आपकी स्किन भी काफ़ी लाइट होगी, हालांकि हमें कलर का तो फर्क नहीं पड़ता, इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प मिलेगी. सो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं. सो आई हाईली रिकमेंडेड टू यू गाइज कि जाओ और ये वाला सिरम खरीदो. ऑफकोर्स मैं इस पर इम्फेसिस डालना चाहूँगी 24K गोल्ड सीरम बाय पिलग्रिम, क्योंकि आपको 3 इंग्रेडिएंट्स का बेनिफिट मिल रहा है ओनली इन 1 प्रोडक्ट. आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है. सो या जाइए और ये प्रोडक्ट यूज़ करिए और मुझे बताइए अगर आप खरीदते हैं तो आप पे बेनिफिट करा कि नहीं. मेरे को तो पर्सनली बहुत ज़्यादा रेडनेस पे बेनिफिट करा. सो या दैट्स अबाउट दिस. अगर हम इस पर्टिकुलर सीरम की बात करें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. मैंने अब तक बहुत सारे सीरम यूज़ करे हैं. आई डोंट नो मैंने कितनों का रिव्यू दिया है, कितनों के बारे में बताया है, बट कुछ सीरम बहुत ज़्यादा लाइक ड्रॉपी लाइक ड्रिपी फॉर्म में आते हैं, बट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि अगर इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र भी यूज़ नहीं करूँगी ना, तो ये अकेला मेरे फेस को मॉइस्चराइज भी कर देगा, लाइक ओवरऑल A to Z काम कर देगा ये. तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ. तो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिक है, जस्ट लाइक अ मॉइस्चराइज़र. तो मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई. एंड ऑल्सो इसके अंदर गोल्ड के पार्टिकल्स भी हैं विच हेल्प्स टू इम्प्रूव एंड टू लाइक रेजनोवेट योर स्किन फ्रॉम इनर. सो या मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है. आप देख सकते हैं इतना अच्छा मॉइस्चराइजेशन मिल जाता है. एक दो बार मैं अपना मॉइस्चराइजर स्किप मतलब मैं एक दो बार अपना मॉइस्चराइजर लगाना भूल गई हूँ और मुझे लगा भी नहीं कि मैंने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, क्योंकि सिर्फ सिरम ने ही पूरा ओवरऑल काम कर दिया. एंड आई एम लाइक क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो या आप डेफिनेटली जाइए इसको खरीदिए. एंड मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. अगर आप खरीदते हैं यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा, आपकी स्किन पे कैसा वर्क किया. बट एक बार तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, तभी आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, राइट. सो आप इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं जाके पिलग्रिम की वेबसाइट पे. एंड या दैट्स अबाउट दिस वन. ओके गाइस, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बी क्रिएटिव एंड बी स्टाइलिश. बाय.